ठीक है, अभी तो काम कर रहा है। यस आई कैन सी क्वाइट मेनी न्यू फेसेस टुडे। कुछ नए फेसेस दिख रहे हैं आज में, और जो कल कुछ थे वो आज नहीं है, है ना। चलो नो प्रॉब्लम, दैट इज द यूजुअल फीचर। नाउ यस्टरडे दरवाजा बंद कर दे, ये बंद कर दीजिए, इससे रोशनी बहुत आती है। नाउ लेट मी सम ऑफ थिंग्स व्हाट आई डिड यस्टरडे अगेन, आई जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। वी डिड स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। नाउ नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ कन्वर्जन ऑफ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द अक्रूअल कंसेप्ट इन टू कैश। हम कर क्या रहे हैं, हम जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो अक्रूअल कंसेप्ट में चल रही हैं उसको हम कैश बेसिस में बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन मुझको नहीं देता है, केवल एक रिकनसाइल करता है क्या चीज को, मेरे इनफ्लोस को और आउटफ्लोस। ट्रूली स्पीकिंग वो मेरे इनफ्लोस और आउटफ्लोस को रिकनसाइल करता है। मैं अपना हाथ नहीं लगा सकती हूं उसमें, मैं फिगर्स को बदल नहीं सकती हूं उसमें, उसके पीछे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से मिलती है रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से ही मिलती है। एंड यहां पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली माय बेसिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इसकी जो इसमें जो फिगर्स मेरे को डालना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो मुझको मेरी बेसिक डॉक्यूमेंट से ही मिल जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसी को हम इस तरह से रीमोल्ड करते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन डिग आउट करने की कोशिश करते हैं जो केवल कैश से रिलेट कर रही है, जिसे मुझको पता चल पाए कि मैंने कहां से कैश उठाया है और मैं कहां उसको यूज कर रही हूं। नेट रिजल्ट क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर नेट रिजल्ट क्या है। That means, जैसे मैं कैश बुक ऑन अ डेली बेसिस लिखती हूं, इसको डेली बेसिस में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द बुक्स, बेसिक बुक्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। द थिंग इज रिकंसिलिएशन सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट है ये, ट्रूली स्पीकिंग। हालांकि बुक्स में कहीं ये नहीं दिया है पर एक फीलिंग आती है अंदर से, तो हम कर क्या रहे हैं, बना क्यों रहे हैं, केवल एक चीज को तो देखने के लिए, फंड्स कहां से जनरेट हुआ और फंड्स जो जनरेट हुआ है वो कहां यूज हुआ है, बस यही तो हम कर रहे हैं। पर तुम बोलोगे अरे ये तो क्या, इसमें क्या था, क्या मतलब था इतना एफर्ट डाल के मैनेजमेंट को करना पड़ रहा है। पर चक्कर क्या है, देयर आर सो मेनी कंसर्न्स, देयर सो मेनी पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्टेड पार्टीज में भी फ्रॉम इनसाइड द organization, even third party or outside parties are interested in my cash flow statement. It's a public document. ये तो हमको पहले ही हमने कल जैसा बताया, it's a public document. So what do we do? हम category, तीन category में उसको split करते हैं, sources and application को, कहाँ से पैसा आया कहाँ use हो रहा है, उसको तीन part में split कर दिया। From business operation, cash generated from business operation या cash used in business operation. In case the results is in positive, means cash has been generated. In case the results are negative, that means cash was not generated through that particular source, rather the cash was used in operating activity. Then the second head is investing activity. अगर plus है तो इनफ्लोज हुआ है थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर रिजल्ट्स नेगेटिव में है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा अब्सॉर्ब हुआ है। अब क्यों अब्सॉर्ब हुआ, काहे को अब्सॉर्ब हुआ, क्या कारण था, उससे हमको मतलब नहीं है, वी आर नोबडी टू क्रिटिसाइज क्यों उसमें गया क्यों नहीं गया, कितना गया उससे मेरे को मतलब है। कितना गया, रिजल्ट्स पॉजिटिव है तो जनरेशन है, रिजल्ट्स नेगेटिव है यूज है,
Now, to make the ball rolling, business की ball को roll करने के लिए, what happens? It is a tap. It is not a tap which will be opened. नल को खोल गो, पानी को use करो, फिर नल को बंद कर दो. It's an ongoing process. Funds generate होते रहते हैं, funds use होते रहते हैं. पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या मैं ये कहूं, जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाती हूं तो मेरे को ये समझ में आता है बनाते बनाते कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है फंड्स की, फॉर वन रीजन और द अदर. अब वो रीजन क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट रिक्वायरमेंट है. तो क्या होता है, इन एडवांस यू कम टू नो, नहीं भाई अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, यू स्टार्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर इट. तो तुम क्या करते हो, फाइनेंस पर पहुंचते हो, फाइनेंस करते हो, तो तुम एक और उसमें हेड खोल देते हो, एक और सोर्स खोल देते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग. तो जब बिजनेस में कैपिटल को एड ऑन करना पड़ता है मुझे, तो आई गो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज कैपिटल, बताओ आप लोग, व्हाट इज कैपिटल, कौन बता पाएगा, व्हाट इज एक्चुअली कैपिटल इन द बिजनेस, व्हिच इज इन्वेस्टेड फॉर द बिजनेस पर्पस, समथिंग एल्स. इट्स अ वेरी लेमैन की भाषा में आपने बोल दिया समथिंग व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. नहीं, और कुछ, और कुछ, आई नीड अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन टू व्हाट कैपिटल इज. व्हाट इज कैपिटल, सोचो एक मिनट के, सोचो आप क्या है कैपिटल, इतनी सिंपल सा टर्म है. This is an investing activity also. Capital. Based on capital, we generate funds and we can have numerous activities. Based on capital, कैसे do you generate fund? How do you generate fund? Capital के लिए do you need funds? Capital जिससे business start करें. वो तो class 11 का बच्चा बोलता है, जिससे जिस amount से हम business शुरू करते हैं वो capital है. पर हम आपसे ये नहीं expect कर रहे हैं इस समय. Owner का amount. है? जो ओनर अमाउंट लगाता है, नहीं इनकम्प्लीट है, आप ताज्जुब करोगे, हम कह रहे हैं yes, सोचिए, बहुत सिंपल सा बेसिक टर्म है जो हम कॉमर्स के, एज कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप तो सब पीछे पोस्ट ग्रेजुएट्स बैठे हो यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए. कैपिटल लाइबिलिटी, ठीक है देनदारी है बिजनेस की. देनदारी क्यों है, क्योंकि बिजनेस की जो एंटिटी कंसेप्ट वहां लागू होता है, बिजनेस का एग्जिस्टेंस और प्रोप्रायटर का एग्जिस्टेंस या ओनर का एग्जिस्टेंस दो अलग अलग चीज है. तो ऑब्वियस है कि अगर आप पैसे बिजनेस को दे रहे हो तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है. इतनी बात तो समझ में आती है, पर क्या है कैपिटल, व्हाट बिजनेस ओज टू द ओनर. तुम आप ये बोलोगे व्हाट बिजनेस ओज टू द ओनर, नहीं, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट. वो बोलिए शेयर होल्डर, इट इज स्टिल इनकम्प्लीट बिकॉज ओनर शेयर होल्डर तो दोनों एक ही है. यस यस, तो कैपिटल का रियल मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन इज कैपिटल. बहुत गूढ़ बात है ये, और मैं पता नहीं कहां कहां हम इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं. लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसा जो लंबे अरसे तक बिजनेस के अंदर रहता है वो कैपिटल है. वो ओन कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों को मिला के बनता है. तभी जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तो हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन और लोन दोनों है, इसलिए जनरलाइज कर देते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन इज कैपिटल. अब बात हम क्या कर रहे थे आपके साथ, बैक टू हियर, बेसिक जो हम बताना आपको चाह रहे थे वो ये था कि जब कैश जनरेशन की बात होती है, कैश यूज की बात होती है, तो हम तीन सोर्स को पकड़ते हैं, टेक्निकली तीन सोर्स को पकड़ते हैं बिजनेस में, एक फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, एक फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. जो मेरे कैपिटल वेज को बढ़ाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो एडिशनल सोर्स ऑफ फंड्स मेरे को प्रोवाइड करता है, बी इट शॉर्ट टर्म बी इट लॉन्ग टर्म, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. मैंने शेयर्स इशू करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो है. मैंने डिबेंचर्स इशू करे, इनफ्लो है फाइनेंस का,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लोज है। शेयर होल्डर्स को मैं रिडीम बैक नहीं करती हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट द मनी बैक फ्रॉम द कंपनी विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पता है आपको ये चीज कब मिलता है? वाइंडिंग अप के टाइम में। पर एक पर्टिकुलर टिपिकल टाइप ऑफ शेयर्स हैं जिसको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, उनको कंपनी की लाइफ टाइम में कंपनी से पैसा मिल जाता है, वरना लोन जितना भी हमने लिया है वो सब हमको रिडीम बैक या पे बैक करना पड़ता है, रीपेमेंट उसका करना पड़ता है। पर अगर मैंने कोई एसेट परचेज करी है उसके अगेंस्ट में वेंडर को मैं शेयर दे रही हूँ या डिबेंचर दे रही हूँ, तो इट इज नॉट जनरेटिंग कैश, इट इज नॉट यूटिलाइजिंग कैश। सिंस इट इज नॉट जनरेटिंग कैश, इसका कोई भी सरोकार मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नहीं है। डू यू अग्री विद मी? मैंने मशीनरी परचेज करी, उसके एवज में उठा के वेंडर को मैंने शेयर दे दिए, क्या कहीं कैश जनरेट हुआ? नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। शेयर्स हैव बीन इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, देयर इज नो जनरेशन ऑफ फंड्स। आई शुड नॉट यूज द टर्मिनोलॉजी फंड्स, देयर इज नो जनरेशन ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, सो इट हैज नो कनेक्शन विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट हैज नो कनेक्शन विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं हम। जब मैंने शेयर्स इशू किया है, जब मैंने डिवेंचर्स इशू किया है, लोन लिया है, तो मुझको इसके ऊपर डिविडेंस देना पड़ेगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड इज एन आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड इज आउटफ्लो फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट के फाइनेंस हेड में, फाइनेंशियल एक्टिविटी के हेड में। कमिंग बैक टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट्स परचेज किया, इट इज एन आउटफ्लो। एसेट्स सेल किया, इट इज एन इनफ्लो। पर यहां पर भी मैं बोलूंगी, एसेट्स इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, इट विल नॉट फाइंड इट्स प्लेस इन द बुक्स। मैंने, मेरे पास सरप्लस फंड्स था, मैंने स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में एंड डॉट 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 पे पैसा इन्वेस्ट किया, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उनको डिस्पोज ऑफ किया, फंड्स का जनरेशन हो गया, दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। बट अब जब इन्वेस्ट कर रहे हो, जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल अर्न डिविडेंड्स, यू विल अर्न इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, क्या हो जाएगा? इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आज की तारीख में कैपिटल गेन टैक्स भी पे करते हो आप? करते हो? यस और नो? पता है, क्योंकि अब कुछ साल से आ गया है कैपिटल गेन का, आपको अपने दिखाना पड़ेगा आपको अपने रिटर्न में। सिक्योरिटीज पे लगता है? सिक्योरिटीज पे लगता है, हाँ, इक्विटीज पे। अब उसका क्या हुआ अगर कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हो? अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हो, आउटफ्लो है। इज इट क्लियर? अब यहां पर जो बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स के, एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो वहां पर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगी आज आपके ऊपर, आपके साथ, क्योंकि ये काउंटर पार्ट अमूमन मैंने देखा है, अभी नहीं, आज पिछले 25 से 30 साल से देख रही हूं, जब से मैं पढ़ा रही हूं, कि इस काउंटर पार्ट में प्रॉब्लम्स आती है व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग एन एसेट अकाउंट एंड एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इस चैप्टर के कंटेक्स में इट्स अ नॉन कैश आइटम एंड डेप्रिसिएशन पे फोकस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वो काउंटर पार्ट हम आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाते हैं। अब एक बात, एक एस्पेक्ट समझिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, व्हेन एवर आई प्रिपेयर एन एसेट अकाउंट, दिस एसेट अकाउंट आई शो इट इन माय बैलेंस शीट, अग्रीड, एंड दिस कम्स इन द बैलेंस शीट एट इट्स बुक फिगर्स, ठीक है?
जिसको हम बोलते हैं नेट फिगर में आती है ये. एंड व्हाट इज नेट? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. दिस इज नेट. ठीक है, बी इट एनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हो. आई टेक अप द फर्स्ट केस रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन. आई परचेज एसेट टू बैंक. एसेट यहां मैंने लिखा था. एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन हुआ. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद व्हाट एवर बी द अमाउंट, आई शो द अमाउंट, द बुक वर्थ, दिस इज द बुक वर्थ एंड दिस इज शोन इन द बैलेंस शीट. आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, यहीं से शुरू दूसरी कहानी हो जाती है. इन केस ईदर द होल एसेट और अ पार्ट ऑफ द एसेट हैज बीन सोल्ड ईदर एट प्रॉफिट और एट लॉस. इफ इट इज सोल्ड एट प्रॉफिट बाय बैंक द सेल प्राइस टू प्रॉफिट ऑन सेल, एंड इन केस इट इज सोल्ड एट अ लॉस बैंक अकाउंट बाय द प्राइस एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट द लॉस हियर. ये तो हमको सबको पता है, कोई स्पेशल बात नहीं बता रहे हम. अब इस चीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क आ रहा है? दिस प्रॉफिट ऑन सेल इज अ नॉन ऑपरेटिंग बेनिफिट. यस और नो? एंड नॉन कैश ऑल्सो. तो ये कहां दिखाऊंगी मैं? जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालती हूं. तो होता क्या है, जब मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करती हूँ उसमें मैं ऐड करती हूँ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस एंड मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश बेनिफिट्स या क्रेडिट्स. द रिजल्ट दैट आई गेट इज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज. ये सुनो. Now this, in case I sell that asset at a loss, it will be added to net profit before tax. And in case it is gain, it is subtracted. So, after aspect ye aa gaya. And this sale, this bank, this sale, where will it go? It will go to investing activity as inflow. तो ये भी क्रूशियल हो गया, ये भी क्रूशियल हो गया, ये भी क्रूशियल हो गया और ये भी क्रूशियल हो गया. चार चीज क्रूशियल हो गई यहाँ पर. तो जब मैं एसेट, ये तब केस है जब माय एसेट इज कमिंग इन माय बुक्स एट देयर बुक फिगर्स. पहला सिंपल केस है, कुछ भी नहीं है. प्रॉफिट आउट हियर इट इज सब्ट्रैक्टेड, लॉस आउट हियर इफ इट इज देयर इट शुड बी एडेड एंड डेप्रिसिएशन एज यूजुअल आई एड. यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा या लॉस ऑन सेल आएगा या प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा. तो इसका ये इंपैक्ट है, सिंपल सा. एंड ये जो बैंक है इट विल गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज सोर्स. ठीक, ये तो सिंपल सा केस है. ये सिंपल केस है, मुझको कैसे समझ में आ रहा है ये सिंपलेस्ट केस है? कैसे क्लू पता चलेगा कि ये पहला केस है डेप्रिसिएशन का? बैलेंस शीट में सिंपल, इसका बेसिक क्लू ये है. बैलेंस शीट में सिंपल यहां एसेट दिखाया जा रहा है. जब बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है इसका माने इट इज कमिंग एट इट्स नेट फिगर्स या इसको हम बुक फिगर बोलेंगे. तो ये सिंपल सा केस है और यहां पर एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन के बारे में और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है. जब इस तरह की मेरे प्रेजेंटेशन मिलती है क्वेश्चन में, समझ में आ जाता है कि वो पहला केस है. सिंपल सा केस है. चलो खत्म, पहला केस खत्म. दूसरे केस में आएंगे. दूसरा केस का क्लू क्या है? यू गेट बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट के एसेट में यू गेट एसेट एंड उसी के नीचे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे देते हैं यहां पर, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे लाइब्रेरी साइड में दे दिया. जब accumulated depreciation asset के संग balance sheet में आ रहा है, that gives a clue that number one, asset is shown as at cost figures, not at its book figures, and all depreciation is clubbed in accumulated depreciation. So what is the net figure? What is the book figure? Book figure is this minus this will give me the book figure या net amount of
दिस एसेट. बट सेकेंड केस का क्लू कैसे मुझको पता चल रहा है? मैं तभी सस्पेक्ट करूंगी जब मेरे बैलेंस शीट में एसेट भी बैलेंस शीट के अंदर है और मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेरा बैलेंस शीट के अंदर है. तब मैं ये सस्पेक्ट करूंगी कि ये सेकेंड केस है डेप्रिसिएशन का. जहां पर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो, इसका माने क्या है? एसेट अपनी कॉस्ट फिगर्स में बुक्स में आ रहा है, बैलेंस शीट में आ रहा है, बुक फिगर्स में नहीं आ रहा है. आप तमाशा देखिए आप यहां पर. अब मैंने क्या किया, एसेट अकाउंट बनाया और मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया. ठीक है, मैं दो चीज बनाऊंगी. पहले किस मैंने केवल एक एसेट अकाउंट बनाया था, इस किस में दो चीज बना रही हूं. एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी द कॉस्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगेन विल बी द कॉस्ट. इन केस देयर इज नो चेंज इन एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग विल बी द सेम एज क्लोजिंग. क्यों? क्योंकि मैं एसेट को अपने बुक्स में कॉस्ट में ही दिखा रही हूं. वो क्यों? क्योंकि मैं उसकी जगह पर डेप्रिसिएशन को यहां दिखाने में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हेड में दिखा रही हूं. इसका माने क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी द ओपनिंग डेप्रिसिएशन, टू बैलेंस कैरिड डाउन विल बी द क्लोजिंग डेप्रिसिएशन टिल डेट, एंड बाय पीएल में ये हो जाएगा डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर. अगर ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 15 है, इसका माने ड्यूरिंग द ईयर 5000 डेप्रिसिएशन आया. ठीक, अभी क्वेश्चन जब लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. इसका माने ड्यूरिंग द ईयर 5000 रुपए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा किया है अभी तक. अच्छा, सब हो सकता है, ये 1,00,000 है और ये भी 1,00,000 है. इसका माने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में माय एसेट की बुक वैल्यू वाज 90, बाय द एंड ऑफ द ईयर इट केम डाउन टू 85. बासन में आई, बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट 90 वर्थ एसेट इज नाउ वर्थ 80. पर एसेट अकाउंट लाख ही दिखा रहा है, कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन? यहां आके क्लब हो जा रहा है, एड ऑन हो जा रहा है. मैं ये केस कैसे कब सबसे सस्पेक्ट करूंगी? जब मेरे को बैलेंस शीट के अंदर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों मिल जा रहा है. क्लियर कट है कि एसेट अपनी कॉस्ट पे चल रही है और जो डेप्रिसिएशन हो रहा है एसेट अकाउंट में ना दिखा के हम उसको अलग से अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में एड ऑन या क्लब करते चले जा रहे हैं. गॉट इट एवरीबॉडी? तीसरा केस अभी नहीं डिस्कस करेंगे. ये दो केस तो पहले हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे चीज बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए. ठीक है, आइए. एनी डाउट टू एनीबडी बता दीजिए प्लीज. क्लास और अच्छी हो जाएगी अगर आपके डाउट्स निकल के आते हैं तो. क्लास मेरी एनरिच हो जाएगी. नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर, आपके पास है उसमें नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आइए. आया? मिला आपको? मिल गया. Yes, everybody got it? अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है. हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, आपको क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Cash flow from the
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोल रही हैं? बैलेंस शीट दी हुई है एंड उसमें मशीनरी एट कॉस्ट है। हालांकि एट कॉस्ट नहीं दिए होते फिर भी हमको ये पता होना चाहिए था, क्योंकि एक्यूमेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर आ रही है, तो मशीनरी इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट इट्स कॉस्ट फिगर्स। तो दिया क्या है? मशीनरी 5,00,000 और 6,00,000। मशीनरी इंफॉर्मेशन क्या है? मशीनरी कॉस्ट पे ओपनिंग है 5,00,000, क्लोजिंग है 6,00,000। ये 18 का है, ये 19 की मशीनरी की फिगर है। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बैलेंस शीट में? 1,20,000। 1,00,000 और 1,20,000। 1,00,000, 1,20,000। तो इसका माने मशीनरी की बुक वर्थ कितनी है? 4,00,000 और 4,00,000। यही तो लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। क्या है? मशीनरी कॉस्टिंग हाउ मच? 50,000। उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 30,000। दैट मींस इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000। वाज सोल्ड फॉर हाउ मच? 25,000। तो 5,000 इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सिंपल सी बात आ गई। अब हाउ डू आई प्रोसीड? हाँ, कोई दिक्कत? कैश यूज्ड 1,25,000। अभी देखते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं क्या करें। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाए। 14। देखिए शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं काम करने के। ये सिंपल सा केस है, इसलिए आपने एक बार में बोल दिया 1,25,000। अभी यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा तो फंस जाएंगे, हैं? ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए और फिर एक और अकाउंट बनाए, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फंडामेंटल्स क्या है? मशीनरी इज अपीयरिंग एट इट्स कॉस्ट फिगर्स। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 5,00,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 6,00,000। ठीक, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग फिगर इज हाउ मच? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज 1,01,020। 1,00,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। ठीक, यहां तक तो इन दोनों फिगर्स को तो मैंने एम्बाइब कर दिया इन दोनों रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट? नाउ कमिंग टू दिस स्टेटमेंट, मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। ये कॉस्ट है चल रही है जो हम बाय मशीनरी डिस्पोजल 50,000 की डिस्पोजल दिखा रहे हैं। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 50 है, जो कि ये अकाउंट जो कॉस्ट पे चल रहा है, मैंने कॉस्ट मशीनरी डिस्पोजल 50 दिखा दिया। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीनरी 50,000 आ गई। अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डिस्पोज कितना लग चुका है? 30,000। तो ये हो गया, आ गया आपका, आ गया इसमें अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 30,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने दिखा दिया 30,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू डेप ऑन मशीनरी डिस्पोज मैंने 30,000 दिखा दिया। अब क्या हुआ? 50 माइनस 30, 20, मैंने उसको सेल कर दिया 25 में, तो 2 PL में प्रॉफिट ऑन सेल चला गया 5,000। ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, ये अकाउंट खत्म। ये 6 और 6, 50, ये 6,50 हुआ और ये 5 था, तो 1,50 की परचेज है। आप 1,25 बोल रहे हो, 1,25 नहीं, वो 1,50 है। कैश यूज बता। अच्छा ठीक है, वो देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये अकाउंट भी हो गया, ये अकाउंट भी हो गया।
अब इस अकाउंट पे आइए, एक 20 और 30, एक 50, एक 50, जिसका माने 50,000 है बाय पीएल में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, डेप्रिसिएशन निकल आया। अब आप पहुंचिए, कहां पहुंचेंगे हम? हम पहुंचते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक ये फिगर मेरे को चाहिए और एक ये फिगर मेरे को चाहिए। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज हाउ मच? 25,000। एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी आई? ये बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल आई 1,50,000। तो मैं ये बोलूंगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 1,25,000 विच इज इन ब्रैकेट्स। ठीक, एनी डाउट? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एनी डाउट नाउ? बोलो मैम, ये नीचे वाली फिगर नहीं समझ में आई। ये वाली फिगर समझ में नहीं आई? नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही। कौन सी वाली? मशीन, ये वाली डिप्रिसिएशन है। हां ये वाला देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल समझ में आ गई ना? डिस्पोजल, हां ऊपर इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए एक्युमुलेटेड एसेट अकाउंट भी समझ में आ गया, ये भी हटा देते हैं। अब आप यहां पर आइए, ओपनिंग एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट इज 1,00,000, क्लोजिंग इज 1,20,000। जो मशीनरी आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन 30,000 लग चुकी है। तो अब जब इस अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये फिगर इज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग। अब आप देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी और नीचे जो था मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो कहां दिखाऊंगी मैं? वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्या निकालने के लिए यूज होगा? नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक पहुंचने के लिए मुझको जरूरत पड़ जाएगी, मैं लेस करूंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, ये सेकेंड केस था। ठीक, नंबर 15 पर आइए। देखिए नंबर 15 क्या है, पढ़िए आप लोग, दो मिनट पहले टाइम दीजिए अपने आप को। नंबर 15 कह रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड 3,00,000 था, 1,00,000 बचा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15 मिला आप लोग को? देख लीजिए, देख लीजिए, आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है ये, तो थोड़ा सा जिसका अकाउंट्स बेस स्ट्रांग नहीं है थोड़ा सा उसके लिए बाउंसी हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। मिला इलस्ट्रेशन नंबर 15? मैम नहीं आया, 17 13 14 था, 13 13 है, 14 है, 15 नहीं आया है। चलिए तो फिर छोड़ देते हैं इसको, और क्या, क्योंकि लिखवाने में तो होगा नहीं। अब हम आपके ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, पार्डन। देखिए हम आपको क्वेश्चन लिख कर ही दिखा देते हैं, बहुत दो मिनट लगेगा मेरे को, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता है सब काम करने में। आइए, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला, इसमें थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, क्योंकि इसमें मिक्स ब्लेंड है सारे केसेस का। जो इंफॉर्मेशन है वो ये देखिए, एक मिनट में आ जाएगी। लैंड है 3,00,000 और 1,00,000, ये 18 का फिगर है, ये 19 का फिगर है। उसके बाद लैंड के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 8,10,000, उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000, 1,00,000।
होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्जेस 80,000. पहला एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज इज 80,000. प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हैं सुन पर हाँ. फिर दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 1,00,000 वाज सोल्ड फॉर 1,20,000. बुक वैल्यू ऑफ 1,00,000 वाज सोल्ड फॉर 1,20,000. और तीसरा है लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक नाउ लिखना छोड़िए, समझने की कोशिश करिए प्रॉपर्ली. ये जो तीन इंफॉर्मेशन है दिस इज बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन. डू यू अग्री विद मी? हाँ, क्योंकि एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स दी हुई है, तो ये बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है रिलेटिंग टू ये एडजस्टमेंट्स हैं. ठीक, अब इसको देखकर समझ में आ रहा है ये मेरे डेप्रिसिएशन का पहला केस है, क्योंकि कहीं पर भी एक्यूमेटेड डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं है. लग रहा है ये डेप्रिसिएशन का पहला केस है, सिंपल सा केस है. आई डू अग्री ये सिंपल सा केस है. तो द वेरी फर्स्ट अकाउंट दैट आई विल प्रिपेयर इज लैंड अकाउंट. I start with opening balance 3,00,000. I end up with closing balance 1,00,000. ऐसा लगता है जैसे 2,00,000 का land हमने उठा के sell off कर दिया. Land is never depreciated. एक aspect. Land was sold at a profit of 50,000. तीन से एक हुआ है, इसका मैंने 2,00,000 का land बेचा मैंने. तो buy bank. Oh, 2,50,000 में बेचा. And to profit on sale 50,000. हो गया. लैंड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई. अब ये देखिए, ये सेल जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एंड ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. ठीक, क्यों ऑपरेटिंग है? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल तो जब पीएल मैंने अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो वहां क्रेडिट में दिखा दिया था, जबकि ये नॉन ऑपरेशनल काउंटर पार्ट है बिजनेस का, ये ऑपरेशनल काउंटर पार्ट नहीं है. डू यू अग्री विद मी? दिस हैज नथिंग टू डू विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स दैट आई एम डीलिंग इन. क्योंकि मेरी असली कमाई माल को बेच के उससे कमाने की है, एसेट को बेचने के बाद जो प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, वो मेरा रेवेन्यू या रेकरिंग प्रॉफिट नहीं है. अग्रीड? तो चलो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, लैंड अकाउंट बन गया. सिंपल सा था, कोई ऐसी झमेला नहीं था. फिर आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 50 था एक हो गया है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ये मेरी एंट्री हो गई, ये मैंने झमेला कर दिया, ये भी मेरा काम खत्म हो गया. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आइए, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन है. इसका मैंने क्लियर कट है कि मैंने परचेज करा इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 50,000. तो सेल ऑफ लैंड 2,50,000 विच इज अ सोर्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एप्लीकेशन. हाउ मच हैव आई परचेज? 50,000. अब जो मेन बचा है मेरा एसेट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये पहला केस है जो मैंने भी डिस्कस किया था सबसे शुरुआत में. नाउ माय ओपनिंग फिगर, ओपनिंग बुक फिगर, नाउ दिस इज कमिंग एट इट्स बुक फिगर्स. ओपनिंग बुक फिगर इज 8,00,000. माय क्लोजिंग बुक फिगर इज 10,00,000. एसेट बुक फिगर्स में चल रहा है. डेप्रिसिएशन चार्ज इज 80,000. So, by depreciation 80,000. ठीक है, ये काम हो गया मेरा, ये काम हो गया मेरा, ये काम हो गया ना, मेरा ये काम भी हो चुका. अब यहां पर आइए, प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वर्थ ऑफ 1,00,000 वाज सोल्ड फॉर 1,20,000. इसका माने क्या हुआ? ये ऑलरेडी बुक वर्थ पे चल रही है और 1,00,000 को 1,20,000 में सेल कर दिया. तो बाई बैंक
120,000 2PL प्रॉफिट ऑन सेल 20 फिनिश। अब जो मेरा बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है इस एसेट अकाउंट में, या तो सेल है या परचेज है। लग रहा है क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो डेफिनेटली ये क्या है, परचेज है। 100,000 ये 12,00,000 हुआ। इसका माने 380,000 का टू बैंक परचेज हो गया। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, 380,000 का परचेज है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 380,000। 20,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल। ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये भी चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में। तो यहाँ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 120,000 आ गया। तो 2 और 1 20 370 370 और 4 30 जो डिफरेंस है कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो फिगर निकल आएगा। ठीक, यस, क्लियर है, बोलिए कहीं डाउट है। मैं बहुत टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ा रही हूं इस समय, बहुत सिंपल सा पढ़ा रही हूं आपको, जो केवल फंडामेंटल से रिलेट कर रहा है, केवल इसका रिलेशनशिप केवल अकाउंट्स के फंडामेंटल से है और कुछ भी नहीं है। बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं आगे बढ़े। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम 10 की प्रॉब्लम होगी, डोंट हेजिटेट, बताइए। नहीं बोलिए, आगे बढ़े। चलिए, अब अभी जो मैंने आपको आज भेजा है उसमें इन्वेस्टिंग, जैसा समबडी वाज डिमांडिंग, जब हम कल जा रहे थे वापस, हमसे डिमांड किया था कि मैं एक फॉर्मेट दे दीजिए आपको, तो इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तीनों का मैंने फॉर्मेट दे दिया है, देखिएगा, है ना। अब आप आइए, मैं फाइनेंसिंग पे नहीं पढ़ रही हूं, अब मैं वापस ऑपरेटिंग में जा रही हूं, ठीक है, बिकॉज कुछ इश्यूज थे जो कल मेरे नहीं हो पाए थे, जो मैं आपको कराना चाह रही थी, ठीक है। नंबर 5 में आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आइए, हाँ 5th इलस्ट्रेशन निकाल लीजिए, चेक कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, जो टॉपिक मैंने आपके संग उठाया है, ये आपके आगे whether you go for research or you go for your क्या कहते हैं further, अगर टीचिंग लाइन में आप आते हैं तो this will help you a lot, बहुत मदद करेगा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी में। ये ध्यान रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझको लगता है कि ये टॉपिक कभी भी छूटती नहीं है, कभी भी नहीं छूटी है आज तक किसी भी एग्जाम में, हमेशा आया है इसमें से। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आया आप, जी आइए देखिए क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ये कल वाला है, कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, काफी कुछ रह गया था। अब ये क्या मांग रहे हैं आपसे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इस स्टेज पर
पहुंचने के लिए बोल रहे हैं। अब इस स्टेज पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टॉपिक ये है। इसमें आई स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस, हाँ ना, आई एड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश चार्जेस एंड आई सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश बेनिफिट्स या क्रेडिट्स। व्हाट आई गेट इज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब मांगा क्या है देखिए, बोल रहा है नेट लॉस इज 20,000। नाउ इन दिस केस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट बीइंग मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दे मेंशन इट एज लॉस। हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली लॉस से शुरू करना पड़ेगा, पर अब मुझको ये देखना है ऐसा तो नहीं कोई अप्रोप्रिएशन भी है इसमें, जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें, ये एक सस्पिशन यहां दिखाता है। वैसे तो हो सकता है लॉस से ही शुरू करना पड़े, तो अगर लॉस है तो 20,000 नेगेटिव फिगर से आई स्टार्ट विथ, बट अगर कोई अप्रोप्रिएशन है तो आई विल हैव टू मेक एन नोट, नोट्स में मेरे को आना पड़ेगा और नेट लॉस 20,000 से मैं सारे काम को शुरू करूंगी। क्या बोल रहे हैं फिर उसके बाद, डेप्रिसिएशन इज 16,000। इस डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगी, मैं एड बैक करूंगी, नॉन कैश चार्ज, तो डेप्रिसिएशन 16,000 मैंने एड बैक कर दिया। ठीक, फिर क्या बोलते हैं, रेंट रिसीव्ड इज 6,000। नाउ रेंट रिसीव्ड बैटरी रिसीव्ड है, कहा जाएगा, नहीं कुछ छूट गया है, ओ सॉरी सॉरी चश्मा लगा ले, सॉरी, बैड डेट्स इज 2,000। नाउ लेट मी कम टू द बेसिक कंसेप्ट, जिन्होंने कल बैड डेट्स के बारे में बात करी थी आज मेरे को दिख नहीं रहे, वो यहाँ कहीं हैं, वहां बैठे थे विद द रेड रेड प्लेस, वो कहाँ है वो, आज नहीं है, आई नहीं सवेरे से, उन्होंने बैड डेट्स के क्लेरिफिकेशन के लिए कल मेरे को कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, कल हम लोग बैठेंगे तब बैड डेट्स पे बात करेंगे। अब बैड डेट्स है यहाँ पर, अब क्वेश्चन ये है, इज बैड डेट, पहला क्वेश्चन, इज डेप्रिसिएशन डेट इज नॉन कैश बट बैड डेट्स इज इट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश नॉन कैश, क्या है बैड डेट्स, आप पहले ये मुझको बताइए, क्या है ये ऑपरेटिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको बोलूं, पहले ये बताइए जब हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो बैड डेट्स किस हेड में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या फाइनेंशियल एक्सपेंस, क्या है ये बैड डेट्स, आप हाथ उठाइए, कौन कौन बोल रहा है कि फाइनेंसिंग है ये, नहीं हम देखना चाहेंगे भाई, फाइनेंसिंग है क्या है ये, लॉस है, कौन सा लॉस है, कौन से हेड का लॉस है, एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और फाइनेंस तो 99.9% बोलते हैं हाँ फाइनेंस तो है ही है, ये फाइनेंशियल चार्ज तो है ही है, क्या है बैड डेट्स, बैड डेट्स कब होता है पहले अब ये बताइए, बैड डेट्स जब डेटर्स मेरे से पैसे लिए हो वो दे ना, नहीं डेटर्स पैसे नहीं लेते हैं, डेटर्स माल लेते हैं यार, माल आपने क्रेडिट में माल, अब आप समझने की कोशिश करिए, आपने क्रेडिट में माल बेचा पर अगले ने आपको पैसा नहीं दिया, क्या इसका आपके परचेज या सेल से कोई कनेक्शन है, ये रियलाइजेशन पार्ट है, ये रियलाइजेशन पार्ट है, ये आपके नॉर्मल माल को सेल परचेज करने से रिलेटेड जो हम जुडिशियल डिसीजंस लेते हैं उससे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, अगले ने पैसा नहीं दिया, आप तो घुटना टेक दिए उसके आगे पैसे के लिए, पर अगले के पास कुछ है ही नहीं देने को, तो आपको अपने बुक्स में उसको बैड डेट्स दिखाना पड़ गया, इसका आपके जुडिशियस डिसीजन से कोई सरोकार है, आपने 50 लाख का माल बेचा
एक लाख पैसा नहीं मिला, क्या ये आपकी बिजनेस इनएफिशिएंसी को दर्शाता है? पैसा रियलाइज नहीं हुआ डेटर से तो क्या आपकी बिजनेस की इनएफिशिएंसी है? बताइए आप मेरे को, ये सिचुएशनल है, कंटीजेंसी नहीं, हाँ कंटीजेंसी मान लीजिए उसको आप, पर रियल सेंस में टेक्निकली कंटीजेंसी भी नहीं है ये, क्योंकि सारा माल बेचा उधार में कंटीजेंसी नहीं होता है, सारा माल उधार बेचा हो कंटीजेंसी नहीं, वरना तो धंधा ही बंद हो जाएगा, सारा धंधा तो दुनिया में उधार में ही चलता है। तो आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी पैसा रियलाइज ना होना नहीं दर्शाता है। डू यू एग्री विद मी, यस और नो? तो फिर ये क्या है, पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो ये नॉन कैश हो गया, नॉन कैश एक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई आपको? तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन कैश मान के इसको एड बैक करेंगे। पुराने जमाने का कंसेप्ट दूसरा था बैड डेट्स को लेकर, पुराने जमाने बोलते जब हम लोग स्टूडेंट तब बोलते थे बैड डेट्स जो है ना ये क्या कहते हैं रियलाइज नहीं हुआ है, तो बिजनेस में हम लोग उधार बेचते ही रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं जो पुराना कंसेप्ट था, बिजनेस में हम उधार बेचते ही रहते हैं, पैसा नहीं रियलाइज हुआ, लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो ये ऑपरेटिंग लॉस है, इसको कहा जाता था उस जमाने में ऑपरेटिंग लॉस है, प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता था व्यापार से, ऑपरेटिंग लॉस है। पर दूसरी तरफ बोलते थे वो धंधे जो प्योर कैश में हो रहे हैं जिनमें उधार का कोई भी नहीं है, अब हम थोड़ा सा प्रोविजन पर भी आते हैं तब इसको इस चीज को हम और ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे आपको। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों बनाते हैं प्रोविजन, प्रोविजन जो डाउटफुल डेट्स है उनको शो करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब आप समझिए, अब समझिए आप, ये बोतल है, खाली बोतल है, ये मेरा एक गुल्ला के पिगी बैंक है। हम क्या करते हैं, हर साल बैड डेट्स के थोड़ा सा पैसा इसमें डाल देते हैं, पिगी बैंक के हर साल थोड़ा सा इसमें पैसा डाल देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, किस लिए, अगर कोई नुकसान होगा तो सीधे किससे रिकवर करेंगे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे पीएल पे नहीं आएगा, यही तो काम है। यू कैन मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस बट यू कैन नॉट मेक प्रोविजन फॉर गेन अंटिल अनलेस गेन हैज एक्चुअली कम टू योर गोल डोरस्टेप, बिकॉज देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द कप एंड द लिड। हम नुकसान के लिए तो प्रोविजन पिगी बैंक बना सकते हैं, गुल्लक बना सकते हैं, पर फायदे को पहले से नहीं बता सकते मेरे को फायदा होगा, फायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर लॉस के लिए प्रोविजन हम कर सकते हैं। ये मेरी बुक्स में अकाउंट्स में मेरे को दिया हुआ है एक कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है वहां पर, ठीक। अब बात आती है प्रोविजन की, प्रोविजन वो बोलते हैं नॉर्मली आप मेंटेन, हम पुराना कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, प्रोविजन आप मेंटेन कर सकते हैं। जिस बिजनेस में उधार माल बेचे जा रहा है वहां प्रोविजन करना कोई बुराई नहीं है, आप अपने नुकसान को बचाते हो। एंड एट टाइम्स हमको वो पता है ना, 11 में रटाया गया था, न्यू प्रोविजन प्लस बैड, नहीं ओल्ड प्रोविजन, नहीं न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन है, तो उसका जो डिफरेंस आता है पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, इन केस ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन न्यू प्रोविजन एंड बैड डेट्स तो वो बेनिफिट क्रेडिट पे चला जाता है। ये हम लोग सिखाया गया था, हाँ या ना, सिखाया गया था हम लोग को, रट के रटा के समझा दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं, 79 में मैंने हाई स्कूल पास किया था, 81 में मैंने इंटरमीडिएट पढ़ा रहा था, उस जमाने में जब हम लोग कॉमर्स पढ़ते थे वी वर पायनियर्स, लेडीज गोइंग इन फॉर कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, वी वर पायनियर्स। हम लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हम लोग 12 पास कर लिए थे तब भी हम लोग को अकाउंट्स गुडविल क्या थी समझ में आई ही नहीं कभी जिंदगी भर, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं था। उस समय के कंसेप्ट, इस समय के कंसेप्ट में मार्क चेंज आया है। तब वो बोलते थे अगर नॉर्मल बिजनेस में आप उधार माल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और प्रोविजन मेंटेन करें तो वो लाजमी है। जहां डेटर्स आर 100% गुड वहां अगर आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। जहां डेटर्स आर 100% गुड वहां पर अगर मेंटेन कर रहे हो प्रोविजन, आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए, वो नॉन ऑपरेटिंग माना जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बोलते प्रोविजन अपने आप में नॉन कैश है, चाहे बैड डेट्स हो चाहे प्रोविजन हो सब नॉन कैश है, आप एड बैक करिए। बात समझ में आई ना बात आपको? तो आप बैड डेट्स हो चाहे प्रोविजन हो उसको एड बैक करते हैं। हम
आपकी भाषा में आपको समझा रहे हैं, अभी भी टेक्निकलिटी हम उसमें नहीं लेकर आए समझाने के लिए आपको, क्यों, जिससे कि आपको ये चीज जिंदगी भर याद रहे। तो क्या करेंगे, यहाँ जो बैड डेट्स है 2000 का, आई विल एड इट बैक, बैड डेट्स 2000, डिंग एंड डॉन कैश आइटम, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या बोल रही हैं, रेंट रिसीव्ड 6000, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो रेंट रिसीव्ड नॉन ट्रेडिशनल रेंट रिसीव्ड विल बी हाउ मच, 6000 विल बी डिडक्टेड बिकॉज इट वाज एडेड टू प्रॉफिट्स, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। फाइनेंस कॉस्ट 4500, फाइनेंस अपने आप में भी नॉन ऑपरेटिंग है, तो फाइनेंस कॉस्ट को मैं ऐड बैक करूंगी, हाउ मच, 4500, फाइनेंस कॉस्ट 4500। ये सिचुएशन से जो आपको दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे, गुडविल रिटर्न ऑफ 2000, इट इज इनटैंजिबल एसेट बीइंग अमोर्टाइज्ड, इज इट क्लियर, इट इज इनटैंजिबल एसेट बीइंग अमोर्टाइज्ड, इट विल अगेन बी एडेड बैक बिकॉज इट इज बोथ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। लॉस एंड सेल ऑफ प्लांट, ये तो पता ही है, इट विल बी एडेड बैक, प्रोविजन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 6000, अगेन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इट्स एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2000, इट विल बी एडेड बैक बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश बोथ, इज इट क्लियर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, एडेड बैक, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एडेड बैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 3000, इट विल बी एडेड बैक, ठीक, इज इट क्लियर, कोई ऐसा आइटम है जो क्लियर नहीं है, अच्छा अब इतने जितने आइटम्स यहां दिए हुए हैं नीचे, इसमें से कोई भी आइटम अप्रोप्रिएशन नहीं था, सब एज अ चार्ज, ऑपरेटिंग चार्ज, नॉन ऑपरेटिंग चार्ज, कैश चार्ज, नॉन कैश चार्ज के नेचर का था, या कैश इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के नेचर में था, यस और नो, इसका माने क्या है, मेरे को नोट्स बना के नेट लॉस जो 20000 है इसी को यहां पर 20000 से शुरू करना पड़ेगा, इज इट क्लियर, अगर कोई अप्रोप्रिएशन होता तो उसको एड बैक करके उसको चेंज करते, इज इट क्लियर, अभी तो टाइम है ना मेरे पास, चलो क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या क्या करें, सब्जेक्ट ऐसा है इसमें जितना पढ़ा लो उतना कम है, जितना पढ़ा लो उतना कम है। नंबर 9 में आइए, नहीं डरने की कोई बात नहीं है, ये तो नेचर है, नेचर तो अपने आप से चलता रहेगा, उससे अपने आप को परेशान मत करिए, नुकसान मत करिए अपना, जाड़े में जाड़ा पड़ेगा, बरसात में बरसात होगी, गर्मी में गर्म होगा, इसलिए नेचर क्या कर रहा है उससे मत सारू का मत रही, अपने आप को एडजस्ट कर रही है ठीक से। हाँ कौन सा इलस्ट्रेशन मैंने बोला आपको बोल करना है, नंबर 9 पर आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय इनडायरेक्ट मेथड, जो मेथड हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड ही है ठीक है, अभी इनडायरेक्ट आपको नहीं बताया और हम बताएंगे भी नहीं डायरेक्ट बिकॉज उसमें हमेशा परेशानी होती है, इनडायरेक्ट ही प्रेवलेंस रहता है हर समय। अब क्या बोल रहे हैं, ऊपर है मार्च 2018 एंड 2019 ठीक है, सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60 से 65 है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जो रिजर्व सरप्लस के हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था वो 60 था और 2019 में वो कौन सा कितना अमाउंट है 65 है, मींस ऐसा लगता है ज्यूरिंग द ईयर हमने 5000 रुपया कमाया है, ऐसा लगता है अभी, ऐसा लगता है ठीक है। आगे बढ़िए, डेटर्स ये तो करंट लायबिलिटी करंट एसेट है,
बिल्स रिसीवेबल ये भी करंट एसेट है, जनरल रिजर्व ये अप्रोप्रिएशन है। इसका माने उस 5000 में, देखिए उस 5000 में नोट्स पे प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कल बता चुके हैं हम आपको। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच, 5000। टू दिस आई विल एड ऑल, एड बैक ऑल अप्रोप्रिएशंस। पहला क्या था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, 35 में ऐड बैक करूंगी, 35 में ऐड बैक करूंगी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आइटम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। नाउ व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, कैन एनीबॉडी टेल मी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या है? डिविडेंड देने के लिए बनाया जाता है, डिविडेंड देने के लिए। रेगुलर रेगुलरिटी में वही परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो आप पहले देते चले आ रहे हैं, अपनी मार्केट में गुडविल मेंटेन करने के लिए, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर प्राइसेस को बराबर रखने के लिए आप एक फंड क्रिएट करते हो, जिसमें कि अगर प्रॉफिट किसी साल कम हुआ है तो उस फंड से पैसा निकाल के आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो शेयर होल्डर्स में। तो ये भी अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट है तो हम इक्वलाइजेशन फंड में पैसा डालेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं डाल सकते हैं, मेरे पास है ही नहीं। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कितना था, 78 से 1 लाख, मींस मैंने इस फंड में 22000 रुपए डाला है, अप्रोप्रिएशन है। तो मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में 22000 डालूंगी, मैं ऐड बैक कर दी, ठीक। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड गुडविल, गुडविल तो मेरा बिफोर टैक्स निकालने के लिए आइटम नहीं है, तो मेरा बिफोर टैक्स कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, 62000। आप बोल रहे हो तो हम लिख दे रहे हैं 62000, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। I start with 62000 here. I start with net profit before tax is 62000. उसके बाद जितने नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश डेबिट्स हैं या चार्जेस हैं, I will add it. इसमें कौन सा है, इसमें केवल एक आइटम है गुडविल, जो 80 से 70 हो गया है, तो गुडविल अमोर्टाइज इज गुडविल रिटर्न ऑफ इज हाउ मच, 10000 है, ओके सॉरी हमने देखा नहीं ना फिगर, 10000 है। तो मेरा कितना आया, उसके बाद जितने आइटम्स हैं या तो वो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना आया, 62 प्लस 72 इज ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद आई एडजस्ट व्हाट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, इन केस द एसेट इज इंक्रीजिंग इट बी डिडक्टेड, इन केस द एड प्लस 2 लायबिलिटी एंड माइनस 2 एसेट एंड आई सबट्रैक्ट प्लस 2 एसेट एंड माइनस 2 लायबिलिटी, व्हाट आई गेट इज, व्हाट डू आई गेट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद का आप लोग कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है स्पेशल उसमें, ठीक है। नंबर 10 में आ जाइए, नहीं नंबर 10 11 छोड़ दीजिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 12 में आइए, समथिंग वेरी क्रूशियल, ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है। 12, नंबर 12 है, आइए है। वाई लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7 लाख आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स, नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये 7 लाख कौन सा आइटम है, कौन सा है ये, तो एडजस्ट करने की बात, ये कौन सा 7 लाख है, आप मुझसे सहमत हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मेड मींस इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, यस। फिर आइए आप नेक्स्ट आइटम में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द ईयर इज 66000, आई विल हैव टू ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 66000,
क्लियर है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ 7,500, इट्स अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चार्ज, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ हाउ मच इज इट? 7,500, 7,500 मैं इसको ऐड करूंगी। टैक्स का यहाँ पे क्या हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डेफर्ट टैक्स भी दिया गया और टैक्स भी दिया। हाँ हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी, तभी तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, तभी तो क्वेश्चन को लिया मैंने आपके लिए। ठीक है, फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 75,000, ऑब्वियसली यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 75,000। ठीक, क्लियर? ये इतना आवाज चूचू करता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 24,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 24,000। ठीक, फिर क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, वो भी नहीं आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स कितना है? 15,000। ठीक, फिर है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 10,000, ये मैं लेस करूंगी। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 10,000। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 15 थी, नहीं 37,500 थी, 15 हो गई। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई है, कितने से? 22,500 से। अब मैं ये कहां दिखाऊं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है? मैं इधर आऊं या इधर आऊं? क्या बोल रहा है दिल दिमाग? टैक्स लाइबिलिटी का हमेशा अप्रोप्रिएशन से सरोकार होता है। कितने की? यहाँ क्रिएशन नहीं है, यहाँ ऑपोजिट इज द केस। तो मैं क्या करूंगी? लेस कर दूंगी, लेस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 22,500 से। ये मुझको समझाना था इस क्वेश्चन में। ठीक, फिर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, ये तो उसका एडजस्टमेंट हो ही जाएगा बाद में। ठीक, इज इट क्लियर? अब मेरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी है? 7,00,000 प्लस 66 माइनस 22,500 कितनी निकली है? कितनी निकली? 0,053 यही तो निकली। 743,500। अब यू स्टार्ट विथ 743,500 एंड कंटिन्यू। अब इसको आगे बढ़ाइए आप, इस क्वेश्चन को आगे तो बढ़ ही गया है, बस केवल नीचे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का ही एडजस्टमेंट करना है, वो तो कोई ऐसी इशू नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक, एक और आता है अभी इसमें इशू, हाँ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75। चलिए कंप्लीट कर ही देते हैं हम। अब यहां क्या हुआ है? बिल्स रिसीवेबल 1,17 से 78 कम हो गया है। जब कम हो गया है तो कितने से कम हुआ है? 39,000। करेंट एसेट्स इंक्रीज करा है, नहीं एक हाँ इंक्रीज करा है, सॉरी 78 से 117 हुआ है, उल्टा चल रहा है यहाँ पर 18 और 19, तो ये बढ़ा है। कितना है? अराउंड 39,000 से बढ़ा है। तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 39 से बढ़ा है, जो मुझको लेस करना है। और बीपी की क्या स्थिति है? 60 से 76 बढ़ा है, तो 16,500 से बढ़ा है, ये मुझको ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीज इन बीपी 16,500,
अच्छा, इसको आप ऐड करके बाहर लिखोगे, 10,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मिल जाएगा। उसमें 16,500 ऐड करोगे, 39,000 लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद इससे आप टैक्स पेड लेस करोगे, विच इज हाउ मच, 75,000। तो जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यस बोलिए, हुआ कुछ और? अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी क्लियर कर दी मैंने, अगर आपने दोनों क्लासेस अटेंड किया है शिद्दत से। इन्वेस्टिंग भी क्लियर हो गई है, हालांकि इन्वेस्टिंग का जो थर्ड काउंटर पार्ट है डेप्रिसिएशन का केस, वो आज हमने जानबूझ के नहीं लिया आपके संग, क्योंकि अगर हम थर्ड ले लेंगे तो जो दो पढ़ाया वो भी जीरो हो जाएगा। तो आप दो केस पहले समझने की कोशिश करो। इन अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई दम नहीं है, मुझको 5 मिनट भी नहीं लगेगा फाइनेंसिंग कराने में। अब कल मैं क्या करूंगी, कंप्लीट जो सम आता है उसको लेकर शुरू करती हूँ, जितने सम्स हो जाए कल।